कि हम जो कर रहे हैं वो भारत माँ के कर रहे हैं, भारत वर्ष के कर रहे हैं, और भारत के लिए सुख समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। इस सोच के साथ हम अपने अगर कर्तव्यों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे भारत देश हमारा पूरे विश्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है नंबर एक की स्थिति में पहुंचेगा। मैं इस अवसर पर हमारे सभी साथी कर्मचारी यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा कि आप सबको नगर पालिका द्वारा धारणा अधिकार का पट्टा दिया जा रहा है। जो लोग कई वर्षों से शासकीय भूमि में निवास रखते अपना मकान बनाकर रह रहे थे और पट्टा नहीं होने के कारण उनको बहुत सारी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, तो शासन ने निर्णय लिया कि ऐसे लोगों को धारणा अधिकार के रूप में पट्टा दिया जाए। और आज नगर पालिका मलाजखंड और नगर पालिका बैयर इन शहरी क्षेत्रों में धारणा अधिकार का पट्टा दिया जा रहा है, जिससे आपको जो शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। मैं आज इस अवसर पर समस्त जिन लोगों को लगभग 107 108 पट्टाधारी हैं जिनको आज पट्टा वितरित किया जा रहा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर मंत्री विराजमान हमारे वन विभागीय अधिकारी राजस्व महोदय से भी कहना चाहूँगा कि नगर परिषद मलाजखंड और नगर पंचायत बैयर दोनों जगह में बहुत सारे वन भूमि हैं और उन वन भूमि में बहुत सारे लोग निवास रहते हैं, अपना मकान बना के रह रहे हैं, कोई कच्चा मकान बना के रह रहा है, कोई पक्का मकान बना के रह रहा है, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा बहुत बड़ी आबादी वन भूमि में भी हमारे इन दोनों नगरीय क्षेत्र में निवास रहता है। मैं चाहूंगा कि अगर कोई रास्ता निकल सके कि हमारे जो वन भूमि में निवासरत हमारे लोग हैं, वार्डवासी हैं, उनको भी किसी तरह से उनकी समस्या का निदान होते हुए उनको भी कोई मालिकाना हक या पट्टा जिस तरह से भी मिल सके, इसका एक प्रयास अगर हम सब लोग मिलकर करें तो एक बहुत बड़ी राहत नगर पालिका क्षेत्र मलाजखंड और नगर परिषद बैयर के हमारे वार्डवासियों को भी मिलेगा। मैं ऐसी आशा हमारे प्रशासनिक एसडीएम साहब से भी करना चाहूँगा, हमारे पूर्व विधायक जी भी मंच पर विराजमान हैं, उनसे भी चाहूँगा। हम तो अपनी ओर से बात विधानसभा में रखते ही हैं, अपनी पहल विधानसभा के माध्यम से हम सरकार तक पहुँचाने का कार्य करते ही हैं, लेकिन चूंकि सरकार में आप हैं और लगातार 15 वर्षों के हैं, तो मैं बड़ी अपेक्षा मंच में विराजमान सभी सम्मानित सत्ताधारी पदाधिकारियों से विशेष अनुरोध करना चाहूंगा कि हम दोनों सत्ता और विपक्ष दोनों मिलकर हमारी अपनी जो जवाबदारी है जिसके लिए हमको जनता चुनती है, जिसके लिए जनता हमको वोट देती है, जो जनता की समस्या है उसको निदान के लिए एक पहल दोनों मिलकर हम करें तो मुझे नहीं लगता कि उस समस्या का निदान हो पाएगा। मैं फिर से एक बार अनुरोध करते हुए यहाँ उपस्थित सभी वार्डवासियों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी माताओं को, हमारे युवाओं को, सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः एक बार बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। जय जय भारत। कि हम जो कर रहे हैं वो भारत माँ के कर रहे हैं, भारत वर्ष के कर रहे हैं, और भारत के लिए सुख समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए कर रहे हैं। इस सोच के साथ हम अपने अगर कर्तव्यों का पालन करते हैं तो निश्चित तौर पे भारत देश हमारा पूरे विश्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है नंबर एक की स्थिति में पहुंचेगा। मैं इस अवसर पर हमारे सभी साथी कर्मचारी यहाँ उपस्थित जनता जनार्दन से कहना चाहूँगा कि आप सबको नगर पालिका द्वारा धारणा अधिकार का पट्टा दिया जा रहा है। जो लोग कई वर्षों से शासकीय भूमि में निवास रखते अपना मकान बनाकर रह रहे थे और पट्टा नहीं होने के कारण उनको बहुत सारी शासकीय योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता था, तो शासन ने निर्णय लिया
कि ऐसे लोगों को धारणा अधिकार के रूप में पट्टा दिया जाए। और आज नगर पालिका मलाजखंड और नगर पालिका बैयर इन शहरी क्षेत्रों में धारणा अधिकार का पट्टा दिया जा रहा है, जिससे आपको जो शासकीय योजनाओं का लाभ मिल सके। मैं आज इस अवसर पर समस्त जिन लोगों को लगभग 107 108 पट्टाधारी हैं जिनको आज पट्टा वितरित किया जा रहा है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस अवसर पर मैं भी हमारे अनुविभागीय अधिकारी राजस्व महोदय से भी कहना चाहूंगा कि नगर परिषद मलाजखंड और नगर पंचायत बैयर दोनों जगह में बहुत सारे वन भूमि हैं और उन वन भूमि में बहुत सारे लोग निवास रहते हैं, अपना मकान बना के रह रहे हैं। कोई कच्चा मकान बना के रह रहा है, कोई पक्का मकान बना के रह रहा है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ी आबादी वन भूमि में भी हमारे इन दोनों नगरी क्षेत्र में निवास रहते हैं। मैं चाहूंगा कि अगर कोई रास्ता निकल सके कि हमारे जो वन भूमि में निवासरत हमारे लोग हैं, वार्डवासी हैं, उनको भी किसी तरह से उनकी समस्या का निदान होते हुए उनको भी कोई मालिकाना हक या पट्टा जिस तरह से भी मिल सके, इसका एक प्रयास अगर हम सब लोग मिलकर करें तो एक बहुत बड़ी राहत नगर पालिका क्षेत्र मलाजखंड और नगर परिषद बैयर के हमारे वार्डवासियों को भी मिलेगा। वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी हम साफ से भी करना चाहूंगा, हमारे पूर्व विधायक जी भी मंच पर विराजमान हैं।